तथागत बुद्ध। आइए आज हम तथागत बुद्ध के कुछ विशेषताएं जान लेंगे, चर्चा करेंगे। अरहं सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहं सम्यक् सम्बुद्धः भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्खु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध, वो तथागत बुद्ध जिसे हम महाकारुणिक कहते हैं, महामानव बोलते हैं, वो विश्व शांति के अग्रनायक है। भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध है। विद्या और आचरण से युक्त वो जो बोलता है वही कहता है, और जो कहता है वो बोलता है। वो सुगत है, लोक के विज्ञ है, गलत लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अनुपम सारथी समान है। लोक के वो शास्ता है, गुरु है। उन तथागत बुद्ध के कुछ विशेषताएं हम चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध में कितने गुण धर्म और विशेषताएं हैं? वो सामान्य पृथक जन या अज्ञानी लोग देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। ऐसा भी कहा जाता है, एक बुद्ध की गुण धर्म और विशेषता पूर्णतः जानने के लिए दूसरा बुद्ध ही होना चाहिए, तब जाकर उसे देख सकते हैं, बुद्ध गुण जान सकते हैं। बौद्ध साहित्य में इस तरह भी उल्लेख किया हुआ है, एक बुद्ध के गुण धर्म को दूसरे बुद्ध भी अन्य कोई धर्म देशना किए बिना एक कल्प तक बताते रहे तो कल्प ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन बुद्ध के गुण धर्म खत्म नहीं होंगे। इसके बावजूद भी हम बुद्ध के कुछ ही सही वो गुण धर्म स्मरण करते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक होकर पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं और उसे पालन करने का प्रयत्न भी करते हैं।
बौद्ध साहित्य में उल्लेख हुए तथागत बुद्ध के अनंत विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए उनके मूल व्यक्तित्व और विशेषताओं को सारांश रूप में इस तरह प्रस्तुत करते हैं। एक, तथागत बुद्ध सभी दुखों से मुक्त निर्वाण लाभ है। दो, तथागत बुद्ध लोक के अग्र महाकारुणिक है। तीन, तथागत बुद्ध अष्टलोक धर्म से अविचलित है। अष्टलोक धर्म, आठ लोक धर्म, जिसे सुख और दुख, येसा और ऐसा, निंदा और प्रशंसा, लाभ और हानि, ये आठ लोक धर्म को अष्टलोक धर्म कहते हैं। तथागत बुद्ध इन आठ लोक धर्म में अविचलित है। चार, तथागत बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से पूर्ण है। उनके लक्षण को देखकर ही उनके नामकरण के दिन में ही दो भविष्यवाणी हुआ था, अगर दरबार में ही रहेंगे तो राजाओं के भी राजा चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अगर गृह त्याग करेंगे श्रमण बनेंगे तो लोक के शास्ता तथागत बुद्ध बनेंगे। और बुद्ध ने भी कहा है जो 32 महापुरुष लक्षण से पूर्ण है उनका दो ही हो सकता है, या तो चक्रवर्ती राजा या तथागत बुद्ध। तो तथागत बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से पूर्ण है। पांच, तथागत बुद्ध दार्शनिक नहीं प्रत्यक्ष दर्शी है। केवल आंख बंद करके हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, चलो ये धम्म है ये अधम्म है ये पाप है ये पुण्य है, ऐसे आंख बंद करके केवल दर्शन या फिलोसफी बताने वाले तथागत बुद्ध नहीं है। उन्होंने जो देखा जो समझा और जो करने से गलत होता है और जो नहीं करने से अच्छा होता है, प्रत्यक्ष जो उन्होंने देखा, दुख सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी पतिपता आर्य सत्य, ऐसे चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग बताने वाला प्रत्यक्ष दर्शी तथागत बुद्ध है। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।